Are you ready to focus on what you're truly passionate about? At the University of Massachusetts Amherst, we're committed to helping students design a meaningful path for their future. As one of the country's top-tier public research universities, we're helping drive the world forward, empowering students to challenge convention, champion innovation, and embrace the freedom of affecting real, positive change in the world. Tap now to explore flexible options for a high-quality education or visit umass.edu. Be revolutionary. This is the Epilogue Audio Experience. बछड़े, गाय, चरवाहे और ऊपर टंगी मटकियां, बिल्कुल यह सब हमें कान्हा के बचपन से जोड़ती है। आज भी भारत के गांवों में दही और माखन ऊंची टंगी मटकियों में ही रखा जाता है, ताकि ये चीजें जानवरों और बच्चों से बची रहे। चलिए आज हम कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में सुनते हैं माखन चोर नंद किशोर, कन्हैया की कुछ शरारतें जिन्हें सुनकर आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकेंगे। माता यशोदा कान्हा को सोने के तार जड़े पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, गले में माला, हाथों में गजरे, पांव में पायल और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट पहनाती और खुद ही उनका ऐसा मनोहर रूप देखकर मोहित हो जाती। महाराज नंद के दरवाजे पर शेर की मूर्तियां स्थापित थी। उन्हें देखकर लल्ला सहम कर पीछे हट जाता। तब यशोदा उन्हें प्यार से अपनी गोद में उठाकर भीतर ले आती। नंदकिशोर कान्हा की ऐसी ही मासूम बाल क्रीड़ाएं देखने के लिए गोपियां भी बड़ी आतुर रहती। गोपियां कान्हा को निहारने के लिए नंदराज के घर आ जाती और वहां आने के बाद कान्हा को निहारने में वे सभी अपने घर की सुध-बुध खो बैठती। अब कान्हा और बलराम थोड़े बड़े हो गए थे और अपने पैरों पर चलने लगे थे, इसलिए वे अपने सखाओं के साथ, दोस्तों के साथ पूरे गोकुल की गलियों में घूमने लगे। कान्हा को माखन और दही खाना बहुत पसंद था। गोकुल की गलियों में घूमते वे अक्सर दही और माखन से भरे बर्तनों पर नजर रखते थे। गोकुल की सभी गोपियां रोजाना दही से माखन बिलोती थी, अतः कान्हा को आसानी से मक्खन चुराने का मौका मिल जाता था। इस काम के लिए वे अपने दोस्तों की सहायता भी ले लेते थे। गोपियां नाराज होती थी क्योंकि दही और माखन बेचकर ही उनका घर चलता था। वे यशोदा मैया से शिकायत करती रहती थी और जब गोपियां कान्हा की शिकायत करने उनके घर पहुंचती तो नन्हे कान्हा यशोदा मैया के पीछे छिप जाते थे और इन गोपियों की तरफ मासूम सी नजरों से देखने लगते थे, जिससे गोपियां गुस्सा भूलकर कान्हा की मासूमियत पर मुस्कुरा देती थी। एक दिन एक गोपी ने आकर यशोदा से शिकायत की, तेरा कन्हैया बहुत नटखट है। यशोदा ने पूछा, अब मेरे कान्हा ने क्या कर दिया? गोपी बोली, जब मैं सुबह गाय का दूध निकालने गई तो देखा कि किसी ने एक बछड़े को खोल दिया था और बछड़ा गाय का सारा दूध पी गया। मैंने सोचा यह शरारत किसने की होगी और तभी मैंने कान्हा को वहाँ खड़े मुस्कुराते हुए पाया। ऐसी शिकायतें मैया के पास आती रहती। जब भी माँ यशोदा को लगता कि उनका बेटा सयाना हो गया है और अब और कोई शिकायत नहीं करता, उसी दिन कोई गोपी उनकी शिकायत लेकर आ ही जाती। एक दिन एक और गोपी मैया यशोदा से बोली, आपके और हमारे घरों में जो दूध दही माखन है सब एक ही है, आप ही की कृपा से हमारे यहाँ सब कुशल है। और मैं यह भी नहीं कहती कि लल्ला ने कहाँ से चोरी सीखी है, माखन तो वे चुराता ही है, लेकिन यशोदा तुम उसे कभी समझाती नहीं हो। मैंने जब उसे समझाना चाहा तो वह मुझे बहलावा देकर भाग निकला। अब नंद राजा का बेटा नंद किशोर चोरी करे, यह तो उचित नहीं है ना। तब मैया ने कहा, हमारे घर दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है,
यहाँ तो वो इतने चाव से माखन और दही नहीं खाता कि उसे चोरी करनी पड़े। फिर भी तुम कहती हो तो लल्ला ने जितना दही और माखन चुराया है तो मुझसे ले जाओ। तुम्हारे पुत्र में और मेरे लल्ला में कोई फर्क नहीं है। लेकिन तुम लल्ला को माखन चुरा कर खाते और मुख पर माखन लपेटे मेरे पास ले आओ तो जरूर मैं उसे डांटूंगी और सजा भी दूंगी। यशोदा की यह बात सुनकर गोपी अपने घर लौट आई। एक दिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ उसी गोपी के यहाँ दही चुराने पहुंच गए। घर की दीवार के साथ सटक कर एक दूसरे का हाथ पकड़े चुपचाप बिना आवाज किए घर में घुस गए। ऊपर छींके पर मटकी होने के कारण वहां उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था। नन्हे कान्हा ने एक ओखली पर स्टूल रखा और उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और फिर खुद उन पर चढ़ गए। लेकिन अभी भी मटकी पहुंच के बाहर थी। तब कान्हा ने अपने दोस्तों के साथ डंडे से मटके पर प्रहार किया। मटकी फूट गई और सारा दही आंगन में गिर पड़ा। सब ने बड़े चाव से मिलकर वह दही खाना शुरू किया। मटकी फूटने की आवाज सुनकर गोपी दौड़ी आई। गोपी को आया देख सब ग्वाल बाल वहां से भाग लिए, लेकिन कान्हा उनका हाथ उस गोपी ने पकड़ ही लिया। कान्हा डर कर आंसू बहाने लगे, लेकिन गोपी का मन ना पसीजा। नन्हे कान्हा का हाथ पकड़े वे नंद भवन की ओर चल पड़ी। भवन के दरवाजे पर नंद बाबा खड़े थे। गोपी ने उन्हें देखकर आदर और संकोच से सिर पर घूंघट डाल लिया। मैया की डांट का डर कान्हा को लग ही रहा था। घूंघट डालने के लिए दो पल गोपी का हाथ छूटते समय कान्हा ने झट अपना रूप बदल लिया। गुस्से में भरी घूंघट ओढ़े गोपी ने यशोदा के पास आकर कहा, पकड़ो तुम्हारे लल्ला को, इसने मेरी मटकी फोड़ी और सारा दही अपने दोस्तों के साथ लूट लिया। यशोदा ने देखा, यह तो कान्हा नहीं है बल्कि उसी गोपी का पुत्र है। तब वह हंसती हुई गोपी से बोली, अरे पहले अपने मुख से घूंघट तो हटा, फिर मेरे लल्ला पर दोष देना। अपने बेटे की चोरी मेरे बेटे पर क्यों डाल रही हो? हैरान गोपी ने झट अपना घूंघट हटाया। मन ही मन दंग रह गई कि यह निगोड़ा कहां से आ गया। मैंने तो कान्हा का हाथ पकड़ा था। वहां उपस्थित रोहिणी अन्य गोप गोपियां सभी हंसने लग गए। बड़ी लज्जित हुई गोपी सबके सामने। बड़बड़ाती हुई अपने बेटे का हाथ पकड़े वह नंद भवन से बाहर आ गई। बाहर गली में पहुंचने पर कान्हा फिर अपने असली रूप में आ गए और आंखें मटका कर मंद मंद हंसते हुए गोपी से बोले, अगर अगली बार मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा तो मैं तुम्हारे पति का रूप ले लूंगा। गोपी ने मुस्कुराकर शर्माते हुए झट कान्हा का हाथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि कान्हा ने शरारतें करनी बंद कर दी थी। वे अब भी गोपियों के मटके अपनी गुलेल के निशाने से फोड़ देते थे। अपने मित्रों के साथ वे गोप गोपियों की छतों की खपरेल खोलकर उनके घर में घुस जाते थे। मटकी ऊंचाई पर टकी होने के कारण वे एक दूसरे के कंधों पर पैर रखकर उस तक पहुंच ही जाते थे। तुमने देखा होगा ना गोविंदाहला में कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ते हैं। बस वही कान्हा करते थे। अगर मटकी बहुत ऊंचाई पर होती थी तो वे पत्थर मारकर उसमें छेद कर देते थे। इससे उसमें रखा दही या माखन टपकने लगता और वे उसके नीचे मुंह खोलकर खड़े हो जाते थे। कभी मटकी पूरी फूट जाती थी तो वे जमीन से उठाकर उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते। वे इस माखन और दही को मित्रों के बीच बांट लेते थे और बचा हुआ बंदरों को खिला दिया करते थे। और तो और कभी खूंटे से बंधे बछड़ों को भी खोल देते थे ताकि वे बछड़े अपनी माँ गाय का दूध पी सके। दरअसल नंद किशोर कान्हा के घर में तो दूध और माखन की नदियां बहती थी, लेकिन वे अपने उन मित्रों के लिए माखन चुराते थे
जिन्हें अपने घर में गाय होने के बावजूद खाने के लिए भरपेट नहीं मिल पाता था। असल में ब्रज के लोग नंदकिशोर कान्हा से इतना प्यार करते थे कि वे भी कान्हा की मस्ती भरी नटखट लीलाओं का आनंद लेने के लिए अक्सर कान्हा की शरारतों को नजरअंदाज ही कर देते थे। कान्हा भी यह बात बड़ी मस्ती से कहते थे कि अगर मैं माखन नहीं चुराता तो गांव वालों को आनंद ही नहीं आता। नंदकिशोर कान्हा की इन्हीं भोली और सभी के हित को ध्यान में रखकर की गई लीलाओं ने बच्चों और बड़ों सभी को अपने मुंह में बांध लिया है। ऐसी ही मन मोह लेने वाली कान्हा की मस्ती भरी कहानियां सुनते रहिए एपिलॉग मीडिया वेबसाइट या अपने फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। अरे हाँ, आज की आपकी लीला, पता है मैंने आपकी एक्टिविटी को अब नाम दे दिया है आपकी लीला। तो आज की आपकी लीला मतलब क्या ड्रॉ करने वाले हो? आज तो मटकी फोड़ने वाला आर्ट ही बनना चाहिए, तो चलो शुरू हो जाओ और कंप्लीट करते ही इसे पोस्ट कर देना।